अरे साहब कुछ पैसे दे दो, मेरे मामा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे यार ये अपने देश में कभी भिखारी खत्म होंगे या नहीं? अरे साहब ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए दे दो। अबे निकल यहाँ से, जो कुछ तूने सुबह से कमाया ना वो भी छीन लेंगे। अच्छा सुन यार, इससे मजे लेते हैं। हाँ सही कहा भाई। देख भाई इस पिन्नी में कुछ खाना है और ये खाना मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे इसके लिए 50 उठक बैठक लगानी पड़ेंगी। अगर बीच में रुका तू तो गिनती दोबारा शुरू होगी। बोल इसके लिए तैयार है तू? मैं अपने बाबा को भूख से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन साहब मुझे तो गिनती भी नहीं आती है। अबे तो तू क्यों चिंता करता है, गिनती तो हम गिन देंगे ना। चल अब जल्दी से शुरू हो जा। 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 4। साहब आप तो बार बार वही शब्द बोल रहे हो। मैंने तो उससे बीच में रुकने के लिए मना किया था ना। चल अब फिर से शुरू करते हैं। यार इसकी गिनती तो कभी पूरी होंगी नहीं। अरे यार कैसे हो जाएंगी पूरी, तू बस देखता रह। साहब मेरे पैर में दर्द हो। लेना जानती है देना नहीं। बाबा जब भी मैं भीख मांगता हूँ तो अपने आप को बहुत जलील और गिरा हुआ महसूस करता हूँ। अब मुझसे ये काम नहीं होता, मैं पढ़ना चाहता हूँ और जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। बेटा कोई अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता, ये वक्त और हालात आदमी को मजबूर कर देते हैं। ये सब समय का खेल होता है बेटा, जो एक पल में बड़े बड़े करोड़पति को भिखारी बना देता है। लेकिन बाबा ये जिल्लत भरी जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता। बेटा मैं भी किसी समय करोड़पति था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे कब भिखारी बना दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे नालायक बेटे ने मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और मुझे घर से निकाल दिया। वो तो अच्छा हुआ जो तुम मुझे अपने घर ले आए और दो वक्त की रोटी दे रहे हो, वरना मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो गई थी। ऐसा मत कहो बाबा, भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ही तो भेजा है, मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन बेटा तुम मुझे इतने दिनों से खाना खिला रहे हो, इतना तो एक सगा बेटा भी नहीं कर सकता। बाबा तुम मेरे साथ हो, बस मुझे इतना ही काफी है। बेटा मैं तुझे एक कार्ड देता हूँ, तू उनके पास जा और उन्हें बुला कर लेकर आ। ठीक है बाबा, मैं कपड़े बदल कर जाता हूँ। सुनो मैडम आप मुझे ये पता बता सकती हैं? ओए सड़क छाप भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा आईफोन टच करने की? सॉरी दीदी गलती से हो गया, मैं तो आपको ये कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था। कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था या मेरा आईफोन छीन के भागने की? ये घर वकील साहब का ही है, बोलो क्या काम था? मुझे वकील साहब से मिलना है। वकील साहब हर किसी से नहीं मिलते, मुझे बताओ क्या काम है? लेकिन मुझे वकील साहब से ये काम है। जाओ यहाँ से, वो तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। मुझे सेठ भानु प्रताप जी ने भेजा है। क्या तुम्हें भानु प्रताप जी ने भेजा है? तुम यहीं रुको, मैं वकील साहब को जाकर बताता हूँ। सर एक छोटा सा बच्चा आया है, बोल रहा है कि उसे सेठ भानु प्रताप जी ने भेजा है। क्या सेठ भानु प्रताप जी ने भेजा है? अंदर भेज दो उसे। ठीक है अंदर जाओ, तुम्हें वकील साहब बुला रहे हैं। नमस्ते, बैठो बेटा। बेटा सेठ जी अभी तक जिंदा हैं? हाँ सर, वो मेरे घर पर है। लेकिन बेटा तुम क्या करते हो? सर मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे अपने घर का पता बता दो, कल मैं सेठ जी से मिलने जरूर आऊँगा, क्योंकि आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। सर मेरा नाम रोहित है और मैं सूरजपुर रहता हूँ। ठीक है सर मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। डार्लिंग मैंने तुम्हें आईफोन 13 प्रो मैक्स तो दिला दिया है, अभी कुछ दिनों बाद आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है, मैं उसे भी तुम्हें दिलाऊंगा। अब ओए भिखारी इधर आ,
अबे भिखारी, अभी तक जिंदा है तू? अरे यार, इन भिखारियों का भी बिजनेस अच्छा है, कुछ काम भी करना नहीं पड़ता है और घर बैठे खाते हैं। साहब, ये बिजनेस नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरे घर पर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। अरे, ये तो वही भिखारी है जिसने कल मेरे आईफोन को टच किया था। अबे वो भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के आईफोन को हाथ लगाने की? भाई, एक भीख मांगने वाला अपने गंदे हाथों से हमारे आईफोन को टच करे, इससे ज्यादा हमारी बेइज्जती और क्या हो सकती है? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। आज के बाद ना तो तू किसी के आगे हाथ फैलाएगा और ना ही किसी को टच कर पाएगा। बताता हूँ तुझे अभी। अरे रहने दो, छोड़ो बेचारे को, वरना बेमौत मारा जाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारा आईफोन इसकी जिंदगी से कई गुना ज्यादा महंगा है, इसलिए इसको इसके किए की सजा तो देनी ही होगी। तो मैं दिखाती हूँ इसको इसकी औकात। चलो ये भिखारी, उसको उठा कर लेके आ। चल अब खड़े खड़े देख क्या रहा है, इसे पैरों में डाल। चल भिखारी, अब भाग यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई मत दे जाना। भाई भाई, अरे तू यहाँ क्यों आया है? हम सब फंस जाएंगे। भाई, खबर ही कुछ ऐसी है, आप तक पहुँचानी जरूरी थी। अरे जो भी है जल्दी बोल। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। क्या, कहाँ देखा तूने? तू जा यहाँ से। अरे यार, जिंदा है तो होने दे, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तेरे कागज तो कंप्लीट है ना? यार, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, हम सब रोड पर आ जाएंगे। डार्लिंग, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है ना? हाँ बेबी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अरे यार, ये चिपकने का वक्त नहीं है, कुछ सोचने का वक्त है। और तुम लोग आगे चिपके जा रहे हो, प्यार तो बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, मैंने तुझे जिस पते पर भेजा था वहीं पर गया था तू? हाँ बाबा, मैं वहीं पर गया था। वो आ जाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन बेटा, वो अभी तक तो आए नहीं। बाबा, वो आने ही वाले होंगे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप ऐसी जगह पर जिसने हजारों भिखारियों की जिंदगी बदल दी, और वो खुद भिखारी बनकर जी रहा है। बाबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप कौन थे और आपकी सच्चाई क्या है? मैं बताता हूँ बेटा, ये वो महान इंसान है जिनकी वजह से कभी इंसानियत जिंदा थी और गरीब को जीने का एक नया मकसद दिया इन्होंने। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक भिखारी था, लेकिन इन्होंने अपने पैसों से मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मैं एक कामयाब इंसान बना हूँ, सिर्फ इनकी वजह से। इन सब बातों को छोड़ो बेटा, मेरी बात सुनो। मेरे बेटे ने मेरी सारी दौलत अपने नाम करा ली है और वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। आप चिंता मत करो सेठ जी, मैं सब संभाल लूंगा, आपको आपकी जमीन और घर सब वापस दिला कर रहूंगा। बेटा, मुझे बड़ा दुख होता है जब ये छोटा बच्चा भीख मांगकर मेरा पेट भरता है। सेठ जी, आज से ये छोटा कभी भीख नहीं मांगेगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। साहब, आप वो भी मेरे घर पे, बताइए क्या काम है? हम लोग डीएम साहब के आदेश पर आपके घर पर आए हैं, आपके पिताजी ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन आपके पास क्या सबूत है? ये रहे डीएम साहब के आदेश।
आपके पास कल तक का टाइम है, आपको डीएम साहब से बात करनी होगी। लाओ ये कागज हमें दो, हम लोग निकलते हैं, आओ। अरे यार ये कौन सा डीएम आ गया जिसने हमारे खिलाफ इतनी जल्दी एक्शन ले लिया? क्या भाई आपको सच में नहीं पता? नहीं मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। भाई ये भाई भिखारी डीएम बन गया है जिसकी हमने कुछ साल पहले बेइज्जती की थी और उसी ने तुम्हारे पिताजी को अपने घर पर रखा था। चलो जो भी हो कल हम उससे मिलते हैं। May I come in, sir? Come in. बैठिए। सर हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? और वैसे भी आपको बातें करने का और बातें बनाने का बहुत ज्यादा ही शौक है। सर हम कुछ समझे नहीं। सब समझ जाओगे तुम लोग। जब कानून का डंडा उठता है तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी गुनाह कबूल कर लेता है। देखिए आप लोग मेरे ऑफिस में हैं इसलिए चुप हूँ, वरना इसका जवाब मैं अच्छे से देना भी जानता हूँ। सर शायद आपको पता नहीं है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो मेरे पिताजी की ही बदौलत है, इसलिए आप हमें रुतबा नहीं दिखा सकते। और हाँ रजिस्टर्ड हुई ज़मीन पर एक्शन लेने की कोशिश ना करें वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और वैसे भी वो मेरे पापा हैं, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। किसी का खून होने से कोई उसका बेटा नहीं हो जाता, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। और जिस जमीन की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी तुम्हारे पिता विश्वनाथ जी के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। बच नहीं पाओगे तुम लोग, धारा 420 के तहत अंदर जाओगे। शायद आप भूल रहे हैं, एक टाइम ऐसा था कि आप गलियों में जाकर भीख मांगते थे और आज आप इस कुर्सी पर बैठकर इतना उछल रहे हो। अपनी औकात मत भूलो। जब तुमने औकात की बात कर ही दी है तो मेरी बात सुनो। लोग किसी के पास्ट को देखकर नहीं बल्कि उसके प्रेजेंट को देखकर जज करते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इस कुर्सी की औकात दिखा सकता हूँ और तुम्हें भी उसी स्थिति में ला सकता हूँ जिस स्थिति में मैं पहले था। चलो अब निकलो यहाँ से, हमारी मुलाकात अब जेल में होगी। तो हे गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ उम्मीद करता हूँ कि इस बार वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ आपने जिस किसी को भी डायरेक्टली बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका यूजर नेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ और फॉलो करो। और न्यू वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।